भोगी है, भोगी है, योगी को योग करना चाहिए, सत्ता का भोग नहीं भोगना चाहिए। मोदी जी को राम समझा था, हमें पता नहीं कि रावण निकट जाएगा। हिंदुस्तान से किसान शब्द का नाम खत्म हो जाएगा अगर ये बिल पास हो गए। हम तो इन बालकों का ब्याह भी यही करेंगे। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, कि ये नागपुर वाले, अब पता चलेगा आरएसएस नागपुर का संतरा कि ये कहाँ से हैं, इनको देखना है। ये सरकार ने दिए थे चारों नाम, ये वक्त लिया ना, और जिसने वापस लिया, आपने उनकी भाषा सुनी है, जो शब्द कहे हैं उन्होंने कहा है कि मैं किसान के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसका मतलब इन चारों को कह के भेजा था कि तुम्हें किसान बिल का समर्थन करना है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में कहा गया कि यहाँ के किसान बहुत सुखी हैं, लेकिन उसके बाद अब वहाँ पर अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है, किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं 26 तारीख को यूपीसी और तमाम अलग अलग राज्यों से किसान आएंगे, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर तो जो है उनको आने नहीं दिया जा रहा, रोक रहे हैं, तो फिर कैसे आप लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे? वो सब तिरंगा लेके आएंगे, और यही तो देखना असली राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद में अंतर है। फर्जी राष्ट्रवाद रोकेगा तिरंगे को, और असली राष्ट्रभक्त देशभक्त तिरंगा लेके चलेंगे। वही सर्टिफिकेट तो लेना है कि ये नागपुर वाले, अब पता चलेगा आरएसएस नागपुर का संतरा कि ये कहाँ से हैं, इनको देखना है। क्यों? क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम पर लड़ाते हैं, और अपनी बेटियां सारी मुस्लिमों में दे रखी हैं। जब इन्हें पता चलता हम करें, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, तो पता चलेगा ना, जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, जो तिरंगे पे घोड़ा फेंकेगा आंसू गैस का, वो देशभक्त नहीं है। और जो पानी की बौछार करेगा वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा, और जिसके हाथ में तिरंगा होगा, गोली सीने पे खाता होगा, वही राष्ट्रभक्त होगा, असली देशभक्त होगा। लेकिन प्रशासन तो ये कह रही है ना कि आप लोग, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन किसी तरह की बाधा मत करिए, वहाँ ऑलरेडी परेड निकल रहा है, फिर आप लोग क्यों परेड निकाल रहे हैं? इनके बाप का वो हमारा ना, एक तब टैंक, एक तब ट्रैक्टर, यही यार, यही देखेंगे उस परेड को, हम ना जाएंगे उसे देखने? देखने चाहिए ना, आप तो परेड कर रहे हैं, तो क्यों परेड ना करें? हम कहना सके, मतलब हमारे बेटे सीमा पे गोली खावे, हम किसान यहाँ खावे, और उस माल का संसद लुटियन जोन में क्या है, उसमें ये लौटेंगे फर्जी राष्ट्रवादी। तो अब के हम जाएंगे, और एक तरफ सेना का जवान चलेगा टैंक लेके, और एक तरफ किसान चलेगा ट्रैक्टर लेके, और भारतीय किसान यूनियन और लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा साकार होगा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जितनी बार तारीख मिल रही है उतनी बार नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो अभी अगली तारीख जो मिली है लगता है कुछ की नतीजा निकलेगा? वैसे अभी कुछ नहीं निकले, अभी तो ऐसे ही चलेंगी तारीख पर तारीख और लगेंगे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सरकार का भी मूड नहीं है। आपको कैसे पता? ये 10 तारीख लग लिए कम है, कह तो रही है सरकार की बिल्कुल किसान अड़े हुए, एक कदम तो पीछे हटे। हम लोग तो कई बार कदम हटा चुके हैं, नरेंद्र तोमर ने आज कहा है कि हम कई कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन किसान बिल्कुल अपनी जिद पे अड़े हैं। भाई ना तो हम बिल लाए, ना हमने पास करे, और हम तो 1000 किलोमीटर आए, इनसे हाथ जोड़ के भी कह लिया कि मान जाओ ये इन्होंने ही तो बिल बनाया, तो नरेंद्र तोमर का क्या जा रहा, वो तो तड़का फिर कुर्सी से उतर जाएगा 5 साल बाद। जो किसान तो यहीं रहना, इनके क्यों फांसी दे, इनके बालकों को क्यों सलफास दे रहा, सारों की नस्ल बिगड़ जाएगी। हिंदुस्तान से किसान शब्द का नाम खत्म हो जाएगा अगर ये बिल पास हो गए, हल तो निकल जाएगा, एक मिनट का काम है। कैसे, एक मिनट कैसे, बताइए। संसद में जाओ, बिल वापसी, खत्म। कमेटी गठित कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बिना मतलब फटी में टांग दे रहा, जब हमने कोई मुकदमा कराई नहीं, रुको जी, जब हमने कोई मुकदमा कराई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में ना हम गए, ना हमने कुछ करना, हमारी लड़ाई संसद से, हमारी लड़ाई सरकार से, तो हम सरकार से ही वापस कराएंगे और दूसरा बिल बनवाएंगे। MSP पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, और किसान अपने घर जाएगा, ये सरकार चला। उसमें जो लोग हैं ना, जो उस रिपोर्ट में जो लागू करें, जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है उसमें जो वो करें 4 सदस्य,
वो उन्हीं के तो हैं, उनको बदलाव करें। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रोक तो लगा दिया बिल का, घर क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग? नहीं, रोक लगाने कोई समस्या का समाधान है? और किसान घर गया तड़के स्टे टूट जाएगा, तड़के ही टूट जाएगा, क्यों? सुप्रीम कोर्ट अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। अच्छा, महिलाओं और बच्चों को और बूढ़ों को घर जाने की बोल रहा सुप्रीम कोर्ट? जब हमारे बालक यहाँ पड़े रहेंगे तो हम कर घर क्या करेंगे जाके? भाई बालक तो यहाँ मरेंगे, हम घर मरेंगे, तो जब मरना ही है तो सारे साथ मरेंगे, एक ही जगह सारे साथ मरेंगे। ठंड तो घर भी बराबर है ना, तो हम भी नहीं हटाएंगे। फिर कैसे निकलेगा सवाल यही उठ रहा है। ये सरकार देखे, हमारा काम नहीं है, सरकार ने बिल बनाए, सरकार को वापस लेने। सरकार कह रही है कई कई हजार करोड़ घाटा हो रहा है, जो किसान बैठे हैं खाली कर रहे हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे। तो हम कद कह रहे घाटा क्यों करवा रहा? एक मिनट लगे संसद में बिल वापसी, हमारी घर वापसी 29 में चल जाएगी, क्यों परेशान हो रहा? अरे हम तो इन बालकों का ब्याह भी यहीं करेंगे। ये भी कहा जा रहा है, हंसने की बात नहीं है भाई, मीडिया दुख का विषय। मीडिया में कहा जा रहा है पिकनिक मनाने आए हैं ये लोग। बहन ये पिकनिक ऐसा है, ये जितने उसमें बैठे ना संसद में 545 और 250 और 4020 विधानसभाओं में बैठे, 420 इन्हें सबको बुला लो, ये भी हमारे साथ बैठ के पिकनिक मना लेंगे रात को आज। इन्हें पता चल जाएगा पिकनिक क्या हो और असली किसान क्या हो, देख लेंगे आके। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या भरोसा करें, अभी हमने देखिए जी आप ध्यान दे, जो सुप्रीम कोर्ट जो फांसी चढ़ाए वो मुझे चढ़ा ले। सुप्रीम कोर्ट का भरोसा करने के, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ और 2 महीने के अंदर राज्यसभा का सांसद बन गया, ये कैसे बन गया? और सुप्रीम कोर्ट कहता ये चारों नाम हमने सुझाए हैं, सुप्रीम कोर्ट को पता मेरा नाम क्या है? नहीं पता ना, ये सरकार ने दिए थे चारों नाम। हाँ ये वक्त लिया ना, और जिसने वापस लिया आपने उनकी भाषा सुनी है, जो शब्द कहे हैं उन्होंने कहा है कि मैं किसान के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसका मतलब इन चारों को कह के भेजा था कि तुम्हें किसान बिल का समर्थन करना है। उनको डर लगा कि डूबता जहाज है बच लो वरना किसान मारेगा। तो एक बार बताइए, जब कमेटी भी आप कह रहे हैं कि कमेटी भी जो है इसके समर्थन में है, बिल के समर्थन में है, सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों के साथ नहीं है, सरकार तो पहले ही मुकर चुकी है, तो फिर जनता आखिर क्या करने वाली है? जनता के पास क्या रास्ता बचता है? आंदोलन। हमें 9 महीने तक का तो एक्सपीरियंस है, वो सोच रहे हैं अभी का 9 साल का होगा। उधर खेत से हमारा गेहूं आई जा, 9 साल के मतलब अगले साल फिर से जिताएंगे क्या उनको? किसे? 3 साल बचा, क्या पता इसके भी बापू आ जाए अगले। हमें क्या पता भाई, पहले बुरे थे उन्हें हटाया इसे अच्छा मानना, हमें क्या पता था आके बेईमान से महाबेईमान आ जाएंगे। अच्छे समझ के ही तो भेजा जा, जब उसको बरतते हैं तब देखते हैं कि वो अच्छा है या बेकार। मोदी जी को राम समझा था, हमें पता नहीं कि रावण निकट जाए। इससे कह दियो रुके ना किसान, आएगा 26 जनवरी को दिल्ली जाएगा और होश में रह ले, क्योंकि दिल्ली से निपट के फिर तेरे यारे गन्ने का पेमेंट लेना है। ये जुआन भी तो किसान के वहाँ बांट देंगे मठ में जो किसान है, क्योंकि ऐसी हठधर्मिता बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर ने भी दिखाई थी। सिसोली बुलाया था दोपहरी में, जून जुलाई में छत पे बिना ऊपर सामियाना ताने और करवे से पानी पिला दिया था। इसकी तो औकात क्या है? है योगी जी हैं कहाँ? वो तो योगी जी, योगी नहीं है, भोगी है, भोगी है। योगी को योग करना चाहिए, सत्ता का भोग नहीं भोगना चाहिए। चलिए योग कह रहे हैं आप, रामदेव जी तो योगा करते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी किसान विरोधी नहीं है, उनका क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? योग मोदी क्या है? योगा करते हैं वो? ये तो लाला राम है, लाला रामदेव है, ये तो सारा पेट घुमा घुमा के जनता घुमा दी, यही है। 2014 में बोलता था 15 लाख आएंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, आज कहाँ है? कंगना रनावत के बंगले में बैठा क्या? कहाँ है भालीगढ़ वो? अन्नी तो इस बार किसान सांटे से इसकी आंख भी ठीक कर देंगे। पेटीकोट पहन के भागेगा यो? बता दियो इसे।
कि इसका जिस दिन किसान ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, यो ना स्वदेशी रहेगा ना विदेशी रहेगा, बीच वाला हो जाएगा। मानने वाली है आपको, कोरोना फैलाया था वो इनका यार आया था ट्रंप, उसने फैलाया और बर्ड फ्लू इस संसद ने फैलाई। देखो किसान यहाँ पड़ा, जब से किसान आया कोरोना भाग गया, और जब से किसान यहाँ लौट रहा किसी का बर्ड फ्लू फैलेगा, फैलेगा उनके संसद वालों के, वे मुर्गे खा रहे हैं उसमें। बीजेपी के नेता क्यों कह रहा है? हाँ भाई, बीजेपी के नेता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू बना रहे हैं यहाँ पे, मुर्गे खा रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं मुर्गे यहाँ पे। कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है जान चलना, तो हम तो हाथी हैं। ऐसे कुत्ते कितने भौंकते हैं पब्लिसिटी के लिए, भौंक रहे, एक ही हल निकलेगा, बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी। आपको क्या ये उम्मीद है, आपको क्या ये उम्मीद है कि किसान कहीं मुर्गा बकरा खा सकता है? जिसकी रोटी के भी लाले पड़ रहे हो, जिसका अन्न भी पूर्ति नहीं डाल रहा हो, जिन पे MSP पे भी वो किया हो, क्या वो मीट मुर्गा खाएगा? मीट मुर्गा वो खाएगा जिनको सब्सिडी मिल रही है, मीट मुर्गा वो खाएगा जो सांसद में बैठे हुए भत्ता ले रहे हैं, जिनको सब कुछ मिल रहा, मीट मुर्गा वो खाएंगे? किसान का क्या मतलब है मुर्गा बकरा से? एक चीज बताइए कि जब से आंदोलन चला है आप लोग भी यही घूम रहे होंगे, चुपचाप भी घूम रहे होंगे, किसी डेरे में दिखाई दिया मुर्गा? यहाँ आसपास मुर्गे की टांग दिखाई हो पड़ी, भाई पंख पड़े हो है? तो जब यहाँ है ही कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी। देखिए जो हमें मुर्गा और बकरा बता रहा ना, वे तो रामदेव का मूत पिए, हम तो गाय का दूध पी रहे हैं। वो सनी देओल बीजेपी में ही तो चला गया सांसद बन के, अब वो अपने डायलॉग को यहाँ इनसे चलवा रहा। तो डायलॉग तो उनका 2.5 किलो का हाथ वाला भी था, वो काम नहीं कर रहा। और गले में पट्टा पड़ने वाला कुत्ता का भी डायलॉग उन्हीं का था, गले में जिसके पट्टा पड़ जाओ वो कुत्ता ही बन जा, तो बन गया ना वहाँ कुत्ता, अब क्यों ना बोलता 2.5 किलो का हाथ मार दे संसद में एक आध के। अच्छा, हेमा मालिनी जी ने कहा कि ये लोग जो बिल चला रहे हैं लोहड़ी के मौके पर, वो लोग बिल को समझते नहीं है, वो ऐसे ही उनको गुमराह किया जा रहा है। देखिए ये नाचने गाने वाले हैं, इनका क्या इनका विश्वास करें, इनको तो सांसद भी है वो, भूल रहे हैं। वो नाचने वाले गाने वाले की वजह से बना दी उसे, तो और उसे कह दियो ना सांसद तो आपके बना देंगे, मथुरा में कुछ चले जा, सांता रखा थे यार। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सफेद दाढ़ी वाले जो है घर चले जाए, बोल रहे हैं बुजुर्ग लोग, दाढ़ी सफेद हो गई आपकी। वो बता क्यों भाई, क्यों कह रहे कि वो मोदी ने अपनी तो छोड़ दी, इनकी सबकी छुड़वा हुआ है। अमित शाह पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रहे, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? कल मकर संक्रांति पे उन्होंने पतंग उड़ाया है, और काट देंगे। अभी तो पतंग ही उड़ा रहा, जिस दिन मिल जाएगा हमारे डंगर आगे आगे होंगे, और वो बीच में होगा और पीछे सांता लेके किसान होगा।